Guys, I think I'm in love. I'm totally in love with him. बहुत dramatic हो चुकी हूँ मैं आजकल सही में. Oh, I really cannot do anything about my hair today. I so badly need a haircut. I will do something about it this week itself. Okay, guys. So hey everyone, it's Shalini. Welcome back to my channel. I really hope you guys are doing well. So in today's video, I'm gonna be doing my June favorites video. It's been a hot minute since I did a favorites वीडियो ऑन दिस चैनल. ऑनेस्टली स्पीकिंग, लॉकडाउन के टाइम पे खाना और सोने के अलावा क्या फेवरेट्स मैं आपको बताती, राइट? सो फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स देर हैज़ बीन सम फेवरेट्स ऑफ माइंड विच आई रियली वॉन्ट टू शो यू एंड टॉक अबाउट. सो विदाउट फर्दर ड्यू, लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो. फर्स्ट अप, आई हैव मेकअप कैटेगरी. सो मेकअप में सबसे पहले क्या चीज़ आती है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, दैट इज़ लिपस्टिक. सो आई हैव ऑलरेडी डन अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक, माई टॉप 7 लिपस्टिक्स क्वारंटीन एडिशन. इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, क्लिक द आई बटन और चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द links. Thank you so much guys for showing so much love to that video. It really made my day more like a week. I am still so happy with the kind of response that I am getting on that video. Thank you so much. Next favorite is a nail paint. I love nude nail paints in general, and this one, oof, it's such a pretty color guys. So this is by the brand TS Nail Enamel, and this is in the shade NE28 Burgundy Blush. I know maine enamel ko bahut weirdly pronounce kiya. I seriously cannot pronounce it properly. Okay, and I have been wearing this nail paint a lot lately. The quality of this nail paint is amazing. ये झाड़ू पोछा बर्तन प्रूफ है, ट्रस्ट मी. मैंने इस नेल पेंट को लगाने के बाद बर्तन मांजे विदाउट एनी ग्लव्स, यू नो, घिस घिस के एकदम बर्तन मांजे मैंने. एंड इट इज़ अ प्रिटी लॉन्ग लास्टिंग नेल पेंट एंड इट डजेंट लीव दैट येलो स्टेन ऑन योर नेल्स. टॉकिंग अबाउट द प्राइसिंग, दिस इज ओनली 85 रुपीज एंड यू विल गेट 9 ml ऑफ प्रोडक्ट इन इट. आई गॉट दिस फ्रॉम नायका ऑन अ डिस्काउंटेड प्राइस अराउंड 65 रुपीज और समथिंग लाइक दैट. सो मुझे और अफोर्डेबल प्राइस में मिल गया. आई ऑल्सो लाइक द एप्लीकेटर ऑफ इट. इट इज थिक. आई हैव अप्लाइड टू कोट्स टूडे. ये जल्दी सूख भी जाता है. एक कोट को सूखने में अराउंड 1 to 2 minutes लगते हैं. उसके बाद यू कैन अप्लाई सेकेंड कोट एंड वो वाला कोट सूखेगा अराउंड 2 to 3 minutes एंड देन योर नेल पेंट एंड मैनिक्योर इज डन एट होम. नेक्स्ट अप, आई हैव आईब्रो मस्कारा. दिस इज बाई द ब्रांड नायका. दिस इज देयर ओ माई ब्राउ आईब्रो मस्कारा इन द शेड सीरियस ब्राउन. आई फाइनली बॉट अ आईब्रो मस्कारा फॉर माई सेल्फ आफ्टर यूजिंग आई लैशेस वाले मस्कारा फॉर अ वाइल टू सेट माई आईब्रोज ऑन प्लेस. सो आई रियली लाइक पुश्ड अप बुशी आईब्रो वाला लुक. वो फेदरी लुक जो होता है ना आईब्रो में, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. मुझे लगता है कि मेरे फेस स्ट्रक्चर को वो वाला लुक काफ़ी सूट करता है. सो आफ्टर लाइक फिलिंग अप माई आईब्रोज, आई लाइक टू यूज दिस आईब्रो मस्कारा टू पुश माई आईब्रोज अपवर्ड्स एंड सेट देम इन प्लेस. क्योंकि अगर मैं अपने आईब्रोज को सेट नहीं करूंगी बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, दे विल जस्ट फॉल डाउन और वो लुक नहीं आता, वो फेदरी वाला लुक. ओके, नेक्स्ट आई हैव सम स्किन ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स एंड दे ऑल आर फ्रॉम द सेम ब्रांड, द डर्माको. एंड आई हैव बीन यूजिंग देम अ लॉट. दे आर पार्ट ऑफ माई स्किन केयर रिजिम. सो आई जस्ट थॉट लेट्स जस्ट मेंशन देम, क्योंकि आप लोग देख सकते हो ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म होने वाला है यहाँ पे. ओके, सो द डर्माको इज अ ब्रांड विच इज डिजाइन बाई डर्मेटोलॉजिस्ट. देयर प्रोडक्ट्स आर डिजाइन एंड फॉर्मुलेटेड बाई डर्मेटोलॉजिस्ट एंड ऑल्सो दिस इज अ क्लिनिकली प्रूवन ब्रांड. ऑल ऑफ देयर प्रोडक्ट्स आर SLS एंड पैराबिन फ्री एक्सेप्ट देयर क्रीमी क्लेंजर आई थिंक. सो यू गाइस ऑलरेडी नो दैट I have combination skin, that is my T-zone is on the oilier side and rest of my face is on the normal to dry side. अगर ठंड का मौसम आ जाएगा तो वो dry side में चला जाएगा और अगर humidity का मौसम आ जाएगा तो मेरा skin तो oily हो जाएगा और क्या चमकेगा वो. I will sparkle guys. Yes, I don't sweat, I sparkle. Okay. कहाँ थी मैं? Yes, about the products. So मेरा skin combination तो है ही. Apart from that, my skin is extremely sensitive, acne prone skin and I have PCOD, so I do tend to get hormonal acne on my face. And if I won't take care of my diet properly and like my skincare properly, I will break out like crazy guys. So this is the product which I've never really mentioned before on my channel, so let's just start with this one. This is clindamycin adapalene gel formula AC1. So this is a acne treatment cream which I've been loving a lot lately. You guys can see the packaging. Pura ka pura almost khatam kar chuki hu main. Main hi nahi, meri sister bhi ise kafi pasand karti hai. So adapalene is a kind of a retinol. Iski property ye hoti hai ki ye inflammation ko kam karne mein help karta hai. And clindamycin is antibiotic. So together they help in calming down the acne causing bacteria and acne basically. So how I like to use this treatment products is that after washing my face using a good cleanser, I will pat dry my skin and then apply some sort of facial mist, rose water or toner to balance the pH of my skin. And after that, I will apply this product only on the area where I might think that I am getting acne bumps, you know. जो कि starting का phase होता है ना acne का, जब वो red हो रहा होता है, inflame हो रहा होता है और आपको बहुत pain होता है,
So this will help in calming down that acne because it has anti-inflammatory property to it. And this is a pretty good quality Adaphalene gel. You know, मैंने काफ़ी different brand के Adaphalene gel try किए हैं और Adaphalene gel अगर अच्छे से और सही तरीके से use नहीं करोगे, it can dry out your skin, you know. It can start flaking the area around that acne. But this one never really does that, so maybe that's why I have been like approaching for this a lot lately. So जब मैंने अपना morning routine किया था, आपको याद होगा कि I was talking about getting a huge acne right here on my face. So I applied this Adaphalene gel continuously for 4 to 5 days, day and night both, और मुझे वहाँ पे acne निकला ही नहीं. बहुत pain हो रहा था वो वाला area, वो pain भी कम हो गया. So it's a pretty good product to spot treat the acne. Now next product that I have is AHA BHA gel for active acne plus glycolic acid, salicylic acid and niacinamide, again by the brand The Dermaco. So this is a chemical exfoliator. Basically I like to use this to get rid of the blackheads and whiteheads from my face and also to reduce the texture that I have on left side of my face, because this side is a side जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा texture है, you know, in this area I have lot of texture. मेरे पूरे स्किन में इतना नहीं है जितना मुझे यहाँ पे लगता है. एंड आफ्टर यूजिंग दिस प्रोडक्ट फॉर 2 months, आई बीन यूजिंग दिस फॉर 2 months, आई हैव सीन अ विजिबल रिजल्ट ऑन द टेक्सचर ऑन माय फेस कि वो काफ़ी कम हो गया है. सो दैट्स व्हाई दिस इज अगेन माय फेवरेट प्रोडक्ट गाइस. सो हाउ आई लाइक टू यूज दिस इज दैट आफ्टर वॉशिंग माई फेस एंड टोनिंग माई फेस, आई विल अप्लाई दिस ऑल ओवर माई फेस एक्सेप्ट माई अंडर आई एरिया एंड देन आई विल लेट इट सिंक इन विद माई स्किन एंड इट विल डू द जॉब. सो एच इज अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड और एच ए जो होता है, इट इज मेड अप ऑफ अ मॉलिक्यूल विच लव्स वाटर. सो इट इज रियली ग्रेट फॉर द पीपल हु हैव ड्राई स्किन क्योंकि वो वाटर रिटेंशन में हेल्प करता है एंड दैट्स हाउ इट कीप्स योर स्किन मॉइस्चराइज्ड एंड हाइड्रेटेड. एंड बी एच इज बीटा हाइड्रोक्सी एसिड एंड दिस इज मेड अप फॉर मॉलिक्यूल विच लव्स ऑयल. सो दैट्स हाउ इट कैन पेनिट्रेट डीप इन टू योर स्किन. और जो आपकी क्लॉक्ड पोर्स होते हैं ना, विच इज मेड अप ऑफ लाइक सीबम एंड डेड स्किन सेल्स, उसको वो डिजोल्व करने में हेल्प करता है एंड दैट्स हाउ इट हेल्प्स इन गेटिंग रीड ऑफ द क्लॉक पोर्स, वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स. आई नो आई एम एक्सप्लेनिंग यू अ लॉट बिकॉज आई फील लाइक वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट्स आई नीड टू डू ऑल द एक्सप्लेनेशन दैट आई कैन. सो एच ए बी एच ए कॉम्बिनेशन स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है. But if you're using this in the daytime, definitely protect your skin using a good SPF. Okay, last treatment product that I have is 10% niacinamide serum for acne marks plus vitamin B3 plus zinc. I will insert a clip for you all. This is what my skin used to look like about 4 to 5 months ago before I started using any treatment products on my face for acne marks or scarring. And I did a 2-week challenge with this product. I used this for 2 weeks straight and I could see the visible result on my skin. So I started using this product in the month of March and it's been like what, 4 months already, and I still use this. It has really helped my skin to get out of the acne marks and acne scars. मुझे Dermaco ने coupon code provide किया था बहुत time पहले, Shalini25. It is still active. आप चाहो तो इसको use कर सकते हो उनकी website पे. And also guys, there is another property of this serum which I really like, that is it helps in repairing the damaged skin. That's why I really like to use this after shaving my face. I also like to mix this with my moisturizer and apply that under my eye as an under eye cream. So, is serum ke kafi skin benefits hai. I would highly urge you to watch that challenge video to get more information. For the food category, I have one dish only, और मैंने आपको promise किया था कि मैं आपको इसका recipe भी बताऊंगी. That is पोड़ो पिठा. पोड़ो पिठा is a उड़िया dish. And this pitha is majorly made during Raja Sankranti time. So podo is a Odia term for burnt and pitha means cake. So burnt cake this is made with rice and gourd. और इसे कुकर में बनाया जाता है. आप चाहो तो इसे ओवन में भी बना सकते हो. I'm gonna insert the clip of how we like to make podo pitha at home in 3, 2, 1. इस रेसिपी में 1 कप उड़द दाल लगेगा जिसको हमने ओवरनाइट सोक करके रखा था. इसको थोरली वॉश करने के बाद वी विल ब्लेंड इट इन द मिक्सी ग्राइंडर. सो यू वांट टू मेक श्योर कि उसको आप बहुत अच्छे से फाइनली पीस लो. एंड देन वी विल डू द सेम प्रोसेस फॉर 2 कप्स ऑफ राइस जिसको हमने ओवरनाइट सोक करके रखा था. उसको वॉश करने के बाद वी विल ब्लेंड इट प्रॉपरली. राइस और उड़द दाल को हमें सेपरेटली पीसना है क्योंकि जो कंसिस्टेंसी है राइस की, उसे हमें थोड़ा सा दरदरा रखना है. दैट इज़ व्हाट माय मॉम टोल्ड मी. आफ्टर मिक्सिंग द राइस वी आर गोइंग टू ऐड गुड़ टू द राइस. वी आर टेकिंग अबाउट 3 कप्स ऑफ गुड़. इट डिपेंड्स अपन हाउ स्वीट यू वॉन्ट योर पोड़ो पिठा टू बी. एंड देन वी आर गोइंग टू ऐड वाटर टू आर मिक्सचर एंड देन ग्राइंड इट वेल. यू कैन सी दैट इट हैज़ लिक्विड कंसिस्टेंसी नाउ. एंड देन वी विल ट्रांसफर इट टू अ लार्जर बोल और उसमें हम लोग ऐड करेंगे हमारा पिसा हुआ उड़द दाल. और अब हम इस मिक्सचर को पूरा अच्छे से फेंट लेंगे. यू वॉन्ट टू मेक श्योर देर इज नो लम्स. एंड देन वी विल लीव इट फॉर अबाउट 2 to 3 hours फॉर फर्मेंटेशन. दिस इज गोना हेल्प आर पोड़ो पिठा टू राइज अप प्रॉपरली. और अब हम इसे कुकर में पकाएंगे. हमने कुकर में घी अच्छे से
लगाया था और उसके ऊपर बटर पेपर लगाया था एंड देन वी आर एडिंग आर बैटर जो कि 2 आवर से फर्मेंटेशन के लिए रखा हुआ था. एंड नाउ कम्स द फन पार्ट, यू कैन गार्निश द बैटर अपने चॉइस के ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स से. वी आर एडिंग हियर क्रश्ड नारियल या ग्रेटेड नारियल, उसको हमने ऊपर से गार्निश कर दिया है. एंड माई मॉम ऑल्सो एडेड किशमिश एंड देन वी विल क्लोज द लिड ऑफ द कुकर विदाउट एनी सीटी. उसके बाद हम इसे 30 से 40 मिनट लो हीट में पकाएंगे. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस पे ध्यान रखें कि ये जल ना जाए आपका पोड़ो पिठा. सो आफ्टर 30 मिनट्स यू कैन लाइक चेक वंस कि वो ठीक है या नहीं है एंड देन विद द हेल्प ऑफ द नाइफ यू कैन स्क्रेप आउट द कॉर्नर, क्योंकि 30 मिनट हो चुका है हमारा पोड़ो पिठा पक चुका है. एंड दिस इज़ पोड़ो पिठा फॉर टुडे गाइस. यू कैन डेफिनेटली मेक दिस ओवन में या माइक्रोवेव में, उसका रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेक श्योर यू चेक इट आउट. नेक्स्ट अप आई हैव 3-layer नेकलेस सेट एंड दिस इज बाय द ब्रांड जोकर एंड विच. सो आई लाइक टू वेयर देम लाइक सेपरेटली क्योंकि वो तीनों अलग अलग सेपरेटली आए थे एंड दैट वॉज द पॉइंट ऑफ बाइंग इट. मैं नहीं चाहती थी कि वो तीनों लेयर एक साथ ही हो, मैं चाहती थी कि वो सेपरेटली आए ताकि मैं उन्हें सेपरेटली यू नो वेयर कर सकूँ एंड स्टाइल कर सकूँ. आई एम वेयरिंग वन ऑफ देम करेंटली राइट नाउ. सो इट हैज़ जीजस इन इट, ओके, एंड दिस लॉकेट ऑल्सो हैज़ अ क्रॉस इन इट, जीजस बने हैं इनमें. लॉकेट की क्वालिटी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, दे हैव नॉट ऑक्सीडाइज येट विच इज़ अमेजिंग, बट chain's quality is not that really great, you know, but still I really really like them. I have been styling them a lot. Next up I have a scented candle and this is by the brand Miniso and this is in the flavor and fragrance apple cake. This is making a reappearance on my channel. मैंने इसे पहले भी अपने favorites वाले किसी video में mention किया है. सो जो ये वाला फ्रेग्रेंस है ना मुझे काफ़ी पसंद है और इससे पहले जो मैं यूज़ कर रही थी वो ख़त्म होने में आ गया था, यहाँ तक पहुँच गया था. सो आई डिड अ बैकअप ऑफ दैट प्रोडक्ट बेसिकली एंड इट स्मेल्स डिवाइन. एंड व्हेनेवर आई फील स्ट्रेस्ड आउट ना आई लाइक टू लाइट अप अ कैंडल एंड लिसन टू स्लो गुड म्यूजिक एंड देन आई फील गुड, यू नो. सो कैंडल डज रियली मेक मी हैप्पी एंड दिस फ्रेग्रेंस डजंट गिव मी हेडेक, सो दैट्स अ प्लस पॉइंट. Okay, next up I have TV series, more like Korean drama series category. So I have been binge watching Korean dramas on Netflix. So far I have watched The King Eternal Monarch and I absolutely loved this series. This is about parallel universe and about the king and how he was able to transport from one universe to another, and it is a romantic Korean drama. I absolutely love the cinematography and the kind of music they have used in this Korean drama. Maine ise ek week mein pura complete kar diya and after that I was like, what should I watch next? And then I was looking for more Korean dramas and then I came across this Korean drama that is The K2 and guys, the main lead Ji Chang Wook, oof, he is so handsome. I mean the way he smiles, guys, I think I'm in love. I'm totally in love with him. So I watched the entire K2 Korean drama just for him. So after completing K2 I was like, जी चांगबुक ने कुछ और अच्छा कोरियन ड्रामा किया होगा क्या. सो देन आई केम अक्रॉस सस्पिशियस पार्टनर एंड आई एंडेड अप वॉचिंग सस्पिशियस पार्टनर जस्ट फॉर हिम गाइज. एंड द वे ही स्माइल्ड इन द एंटायर सीरीज वॉज ओके, वे वर मी, आई कांट रियली टुडे. सो यस गाइज, माय मॉम विल किल मी, यू नो, शी बी लाइक, तुम्हें कोई इंडियन लड़का नहीं मिला, हाँ कोरियन लड़का. गाइज, जो आपका नहीं हो सकता उससे प्यार करने का मजा ही कुछ और है. बहुत ड्रामेटिक हो चुकी हूँ मैं आजकल सही में. ओके, नेक्स्ट अप आई हैव दिस नाइकी शूज एंड सो फार दिस इज द बेस्ट नाइकी शूज दैट आई ओन फॉर रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, बेसिकली फॉर एवरीथिंग. दे आर सो कंफर्टेबल बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ पैटर्न इट हैज़. मेरे पैर बहुत ज़्यादा बड़े हैं, मेरे पैर के साइज के जूते नहीं मिलते हैं और जो मिलते हैं वो अच्छे से मेरे पैर को कवर नहीं कर पाते, यू नो व्हाट आई मीन, सामने से. और I will end up having like shoe bite in the end of the day, but this one, they are really good quality one and they have lot of space in the front side, so इसलिए काफ़ी comfortable भी हैं and pretty lightweight this are. I love to wear them when I'm going for a walk, I love to wear them when I'm doing my at home workout. Very breathable shoes this are, और क्योंकि ये black और white में हैं, definitely style them with your regular outfit, you know, jeans, long skirt, dresses. It will absolutely amp up the game for the entire look. Now this was the video for today, you all. I really hope you enjoyed watching this. I had so much fun filming this video for you all. Now if you want to see essay or content from my channel, please take a moment and subscribe to this channel if you haven't already. Like this video, share this video with your friends and family. Comment down below and let me know some TV series that I can watch during this quarantine time. Aur kuch acche acche gaane bhi comment kar do yaar. Mujhe gaane sunna bhi kafi acha lagta hai. And I'll see you next time with brand new content for this channel. Bye bye.
टेक केयर, अपने हाथों को धोते रहना, ओके, कीप ऑन वॉशिंग एंड कीप ऑन वॉचिंग माई कॉन्टेंट, बाय।